नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू निगम और स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। आवाज़ आपको थोड़ी सी जो है ख़राब सुनाई दे रही होगी। अगर इस वीडियो की वॉइस में क्लियरिटी नहीं है तो प्लीज़ काम चला लीजिए। टॉपिक क्या है हमारा इस वीडियो को बनाने का? टॉपिक हमारा ये है कि जब आप अपना CUET का एडमिशन फॉर्म फिल कर रहे हैं, और क्योंकि मैंने इस पर एक वीडियो बना दी है और मैंने वीडियो में आपको बता दिया था कि जब आप सब्जेक्ट चुनेंगे, अपना डोमेन चुनेंगे, जब आप ये तय करेंगे कि मेरे को कौन सा एग्ज़ाम देना है, कौन से सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना है, मुझे सेक्शन ए में क्या करना है, सेक्शन बी में क्या करना है, सेक्शन सी में क्या करना है, तो उस समय जो आप सब्जेक्ट भरेंगे तो वो सब्जेक्ट कौन से होने चाहिए, किस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए हमें कौन सा सब्जेक्ट चुनना चाहिए, किस चीज़ का हमें एग्ज़ाम देना है, कौन सा सब्जेक्ट चुनकर हमें उसका एग्ज़ाम देना है, ये सब कैसे तय होगा, तो इसके लिए बहुत ही इजी वे है, बहुत ही आसान तरीका है। सारी कन्फ्यूज़न एक ही जगह दूर हो जाती है। सबसे पहले तो बस आप क्या करिए, CUET.samarth.ac.in में जो है जाके एक बार सर्च करिए इस वेबसाइट को। या आपको पता है हमारा यहीं पर फिल हो रहा है फॉर्म, तो मैं गया, ये सबसे ऊपर इसकी वेबसाइट आ गई है, तो मैं इस पर गया। वेबसाइट पे आने के बाद जो है हमें कुछ नहीं करना है, सीधा ये जो बार है ना, ये साइड बार, इसे दबा देना है। ये साइड बार जो है इसे आपको टैप करना है। साइड बार को दबाने के बाद आप देखिए, पहला है इंफॉर्मेशन बुलेटिन, दूसरा है सिलेबस, तीसरा है यूनिवर्सिटीज़। तो यूनिवर्सिटीज़ पे आप जाइए। अब देखिए, इसमें सारी यूनिवर्सिटीज़ आ जाएगी जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। एक ही फॉर्म से जो है आप इन सब में अप्लाई कर सकते हैं। ये मैंने आपको पहले ही जो है फॉर्म फिल करते वक्त की जो वीडियो है वो आपको मैंने बता दिया है। मान लीजिए आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में BA पॉल साइंस के अंदर जो है एडमिशन लेना है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी चुनिए। देख लीजिए कि दिल्ली यूनिवर्सिटी किन सब्जेक्ट की डिमांड कर रही है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ हम चलते हैं। देखिए, ये रहा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, आप इस पर टैप करिए, पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ खुल जाएगा भाई। देखिए, अब आपको एडमिशन किस में लेना है, BA पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में। चलिए तो हम BA पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स ढूंढते हैं। BA पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, अब साइंस की ही बात क्यों करें, अगर आप मान लीजिए BSc में भी लेना चाहते हैं, अगर आप BSc में जियोलॉजी ऑनर्स करना चाहते हैं, BSc जियोलॉजी ऑनर्स करना चाहते हैं, तो आपको कौन से सब्जेक्ट डोमेन भरने पड़ेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। देखिए, यहाँ आपको बता दिया जाएगा, ये जो है ना, ये लाइन जो है ये डोमेन की है, सब्जेक्ट डोमेन की है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायो या ज्योग्राफी। देख लीजिए, इन में से आपको जो है तीन जो है चुनना है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ या फिर बायो या फिर ज्योग्राफी, यानी फिज़िक्स और केमिस्ट्री होना ही चाहिए, मैथ, बायो और ज्योग्राफी में चॉइस है। इसके अलावा देखिए, यहाँ भी जो है बहुत सारे जो है डिटेल यहाँ पे दी हुई है। तो मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ जाके जो है आप चेक कर सकते हैं, अगर आपको BA पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में, क्योंकि मेरा वो सब्जेक्ट है इसीलिए मैं आपको बता देता हूँ, हम BA, ये देखिए ये आ गया ना, BA ऑनर्स इंग्लिश, BA ऑनर्स हिंदी, तो अगर BA ऑनर्स हिंदी में एडमिशन लेना है तो कौन कौन से सब्जेक्ट का देना पड़ेगा एग्ज़ाम। देखिए, हिंदी पक्का होना चाहिए क्योंकि हिंदी लिखा हुआ है, प्लस Any 3 फ्रॉम Section 2। अब Section 2 में आप कोई भी 3 जो है एग्ज़ाम दे सकते हैं, जो भी आपके इच्छा करे, जो भी सब्जेक्ट आपको चुनने का आप चुन सकते हैं Section 2 में। अभी Section 1 क्या है, Section 2 क्या है, Section 3 क्या है, ये मैंने आपको पहले वीडियो में बता दिया है, फॉर्म वाले वीडियो में। अब देखिए, BA पॉलिटिकल साइंस की तरफ हम चलते हैं। ये मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का बता रहा हूँ आपको, क्या वहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिक्स किया गया है। जर्मन में आ गया, स्पेनिश, साइकोलॉजी, फिलासफी, हिंदी पत्रकारिता, जर्नलिज्म, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस। देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर आपको BA पॉलिटिकल साइंस में ऑनर्स लेना है तो कौन कौन सा डोमेन भरना पड़ेगा, देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ, Any 1 फ्रॉम Section A या Section 1 की बात हो रही है, Any 1 फ्रॉम Section 1 और Any 3 फ्रॉम Section 2। तो Section 1 में क्या है, लैंग्वेज है, तो जो पूरी लिस्ट है लैंग्वेज की, जिसमें हिंदी भी है, इंग्लिश भी है और बाकी लैंग्वेज भी है, उसमें से कोई एक चुन लीजिए। मान लीजिए आपने इंग्लिश चुन लेंगे या फिर मान लीजिए आप हिंदी चुन लेंगे, तो Section 1 आपका कंप्लीट हो गया। अब बोला है कि Section 2 में से कोई भी 3 सब्जेक्ट चुन लो भाई, Section 2 में से कोई भी 3 सब्जेक्ट चुन लो। अब वो कौन से 3 सब्जेक्ट होंगे उसकी जानकारी इधर वाले जो है पार्ट में दी हुई है। देखिए,
कैंडिडेट मस्ट अपेयर इन CUET द फॉलोइंग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। जो कैंडिडेट अपेयर होना चाहते हैं CUET के लिए और जो दिल्ली यूनिवर्सिटी को जो ध्यान में रख के अपना टेस्ट देना चाहते हैं, वो ये ध्यान रखें कि जब वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रखेंगे तो एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, तो लिस्ट ए से कोई एक सब्जेक्ट होनी चाहिए। अब ये लिस्ट ए क्या है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपनी लिस्ट ए डाल रखी है भाई, ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है लिस्ट ए। इसमें से आपको कोई एक एक सब्जेक्ट जो एक जो है लैंग्वेज चुनना पड़ेगा। अब सेक्शन ए के अंदर है ना ये, तो ये जो है आपको इनमें से एक लैंग्वेज चुनना पड़ेगा, ठीक। प्लस एनी टू सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट B1, क्योंकि चार सब्जेक्ट की बात हो रही है, यहाँ चार सब्जेक्ट आपको चुनने ही पड़ेंगे, तो एक सब्जेक्ट तो आपका लैंग्वेज का हो गया लिस्ट ए से। उसके बाद एनी टू सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट B1। अब ये B1 लिस्ट कौन सी है, तो B1 लिस्ट ये है भाई, ये B1 इस तरफ देखिए, आप देख रहे हैं ये सब्जेक्ट जो है लिस्ट B1 की बात हो रही है। अब अकाउंटेंसी है तो वो भी चुन सकते हैं आप, क्योंकि एनी कहा है ना, बिजनेस स्टडी है, इकोनॉमिक्स है, तो आप पॉलिटिकल साइंस भी आप देख रहे हैं नंबर 15 पे, है ना, हिस्ट्री देख रहे हैं नंबर 10 पे, 17 पे संस्कृत देख रहे हैं, 18 पे सोशोलॉजी देख रहे हैं, तो इनमें इस B1 में से कोई दो, इस लिस्ट B1 में से कोई दो सब्जेक्ट आपको चुनने पड़ेंगे, ठीक। तो B1 में से कोई दो सब्जेक्ट चुनिए। अब आप जब दो सब्जेक्ट चुन लोगे तो अभी भी तो तीन ही हुए, क्योंकि एक लैंग्वेज हो गया और दो सब्जेक्ट आपने B1 में से चुने, प्लस एनी वन सब्जेक्ट फ्रॉम आइदर लिस्ट B1 और लिस्ट B2। अब बचा हुआ जो एक सब्जेक्ट है वो या तो आप B1 में से चुन लीजिए या तो आप B2 में से चुन लीजिए। कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि अब देखिए एग्रीकल्चर या इंजीनियरिंग ग्राफिक या एंटरप्रेन्योरशिप, ये सब जो सब्जेक्ट है ये तो किसी के पास होते ही नहीं है, बहुत कम रेयरली है जो आपके पास हों। कहने का मतलब ये है कि आप जब चार सब्जेक्ट फिल करेंगे, अगर आप केवल पॉलिटिकल साइंस ध्यान में रख रहे हैं और केवल दिल्ली यूनिवर्सिटी ध्यान में रख रहे हैं, तो आपको चार सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, जिसमें से एक होगा आपका लैंग्वेज और तीन सब्जेक्ट ऐसे होंगे जो B1 में से होने चाहिए, क्योंकि मैंने B2 को हटा दिया है, तो आप B1 में से तीन सब्जेक्ट चुन लीजिए। और ज़रूर है कि आपके पास ये सारे सब्जेक्ट में से कोई ना कोई तीन सब्जेक्ट होंगे ही होंगे। तो ये तो हो गया BA पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, अगर आप जो है ध्यान में रख रहे हैं किस यूनिवर्सिटी को, अगर आप ध्यान में रख रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी को, तो ऐसे ही आप जो है सारा चेक कर सकते हैं कि मुझे किस चीज़ को ध्यान में रख के कौन सा सब्जेक्ट चुनना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपने जो है सेक्शन 3 चुन लिया, अब सेक्शन 3 का तो इसमें कहीं मेंशन ही नहीं है, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर आपको पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करना है तो सेक्शन 3 देने की कोई ज़रूरत नहीं है, सेक्शन 1 और सेक्शन 2 से ही काम चल जाएगा। अब मान लीजिए आपको दूसरे यूनिवर्सिटी का चेक करना है, तो भी आप सेम वैसे ही करोगे, बैक आ जाइए, ये भी सारी यूनिवर्सिटी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी पे हम देखते हैं। अब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में मान लीजिए आप जो है BA सोशल साइंस की तरफ ध्यान देना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि BA सोशल साइंस में क्या क्या है, तो देखिए BA सोशल साइंस के लिए इन्होंने क्या बोल रखा है, ये देखिए, डोमेन जनरल / ऑप्शनल लैंग्वेज जो है जो भी चुन सकते हैं। BA ऑनर सोशल साइंस में अगर आपको अपेयर होना है तो BHU क्या डिमांड करती है, वो कहती है कि भाई देर आर रिक्वायर्ड टू ऑप्ट फॉर सेक्शन 1A लैंग्वेज टेस्ट, या तो हिंदी में दो या तो इंग्लिश में दो। तो एक तो सेक्शन ए आपको देना ज़रूरी है, लैंग्वेज टेस्ट आपको देना ज़रूरी है, चाहे हिंदी में दो चाहे इंग्लिश में दो या कोई और सब्जेक्ट हो जो भी आप देख लीजिए, हिंदी और इंग्लिश की बात हो रही है, ठीक है। और सेक्शन 3 जो जनरल टेस्ट है वो एडमिशन के लिए देखा जाएगा, तो सेक्शन 3 देना जो है वो बहुत ज़रूरी है। अब अगर आप देखेंगे कि मतलब इसमें आप जो है पढ़ के जो है इसमें देख सकते हैं, जो बच्चे सेक्शन 3 यानी कि जनरल टेस्ट नहीं देंगे वो BHU में एडमिशन के लिए कंसिडर नहीं किए जाएंगे। देखिए यहाँ लिखा हुआ ना, सेक्शन 3 विल नॉट बी कंसिडर फॉर द, देखिए हु विल नॉट अपेयर इन बोथ सेक्शन, यानी कि सेक्शन A1 में एंड सेक्शन 3 में, विल नॉट बी कंसिडर फॉर द
एडमिशन इन BHU। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपने सेक्शन 3 यानी कि जनरल टेस्ट नहीं दिया है तो BHU में एडमिशन के लिए आप कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो अगर आप BHU को ध्यान में रख के टेस्ट दे रहे हैं, अगर आप BHU में भी अप्लाई कर रहे हैं, तो भाई सेक्शन 3 यानी कि जनरल टेस्ट देना आपके लिए ज़रूरी है। तो अगर आप BHU और DU दोनों ही ध्यान में रख रहे हैं एडमिशन के लिए, तो कहने का मतलब ये है कि आपको शिफ्ट 1 में भी पेपर देना पड़ेगा और शिफ्ट जो दूसरा स्लॉट है उसमें भी पेपर देना पड़ेगा। क्योंकि जब आप सब्जेक्ट चुनोगे तो आपको फिर लगभग 5 सब्जेक्ट जो हैं चुनने पड़ेंगे, है ना। अब ये प्रॉब्लम कैसे आएगी, क्या इसकी दिक्कतें हैं, तो मैं आपको बस एक ज़रिया बता दिया है कि आप यहाँ से जो है चेक कर सकते हैं। अब जब मैं अगली वीडियो लेकर आऊँगा, देखिए यहाँ पे BA जो है LLB ऑनर्स की बात हो रही है, BA LLB 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स होता है BHU में। अब देखिए इसमें क्या बोला गया है, इसमें भी वही बोला गया है कि आपको लैंग्वेज टेस्ट देना पड़ेगा, या तो हिंदी से दो या तो इंग्लिश से दो, ठीक है। तो सेक्शन ए में आपको चुनना पड़ेगा हिंदी या इंग्लिश। दूसरा देखिए क्या कह रहा है, सेक्शन 2 में आपको लीगल स्टडी चुनना पड़ेगा, कंपलसरी बात हो रही है यहाँ पे, और सेक्शन 3 जो है आपको देना पड़ेगा। तो सेक्शन ए भी देना है, सेक्शन बी भी देना और 2 भी देना है, और सेक्शन 3 भी देना है। सेक्शन 1 में आपको हिंदी या इंग्लिश में से एक चुनना है, सेक्शन 2 में आपको लीगल स्टडीज़ चुनना है, और सेक्शन 3 आपको देना ही देना है जो कि है जनरल टेस्ट। तो देखिए BA LLB अगर आप ध्यान में रख रहे हैं एडमिशन के लिए, आप अप्लाई करना चाहते हैं BHU में, तो आपको ये तीनों ही जो है चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि क्या तरीका है सब्जेक्ट को चुनने का, कहाँ हमें जो है कौन सा टेस्ट देना, और उस टेस्ट में अपेयर होने के बाद अगर आपको एडमिशन चाहिए तो वो लोग क्या उम्मीद रख रहे हैं कि आप कौन सा टेस्ट देकर आए हैं, वो सब आपको देखना पड़ेगा। यानी ये इतना आसान नहीं है, बहुत ध्यान से आपको अपना जो है फॉर्म भरना है। साइबर कैफे वालों के भरोसे मत रहिए, अपने आप रिसर्च करिए, ढूंढिए, और जो जितना बता सकता है, ध्यान रखिए कि सिर्फ यूट्यूब की इंफॉर्मेशन पे ही आपको जो है भरोसा नहीं कर लेना होता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको जानकारी खुद जुटानी होती है। तो धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।